So hello everyone, welcome back to my YouTube channel and also to a new video. I am Bipasha Bose. I was a NEET twenty twenty one aspirant, and I have got my marks. And I'm gonna share with you all, as I promised. Uh, how was my score? What were the marks? What about my rank? Will I get a college? What I have decided for my future? So.

बट मैं इधर मार्क्स शेयर करने वाली हूँ हु। एग्ज़ाम uh, हुआ था सितंबर ट्वेल्व को और रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ था नवंबर वन को वन पॉइंट फाइव मंथ्स के बाद रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था सो so मुझे नवंबर वन के रात को मैंने रिज़ल्ट चेक किया तो इट वाज गुड एग्जैक्टली व्हाट आई काउंटेड नॉट मोर और नॉट लेस जितना मैंने काउंट किया था इट वॉज़ फाइव नाइन्टी सेवन आउट ऑफ सेवन हंड्रेड ट्वेंटी आई वॉज नॉट हैप्पी ऑल्सो बट आई न्यू वाट आई परफॉर्म हाउ आई परफॉर्म एंड दैट्स इट को उससे ज़्यादा और क्या चाहिए जितना आपने परफॉर्म किया हो उतना ही आपको मिला होगा तो आप उसको चेंज तो कर ही नहीं सकते सो आई एम हैप्पी एंड माई पेरेंट्स वेर काइंड ऑफ सैड एट फर्स्ट बट देन दे एक्सेप्टेड वट एवर इट इज़ then they were happy they were encouraging me for my future okay then talking about my rank uh, the all india rank was 20169 itna piche gir gaya rank And last year jinhone bhi 590s ke around score kiya tha unka rank फिर भी around फिफ्टीन थाउजेंड था बट इस बार चूंकि बहुत लोगों ने बहुत लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है ड्यू टू तो करोना एंड ऑल बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया था लोगों को इसीलिए रैंक जो है बहुत नीचे गिर गया मेरे मेरे वाले मेरे काइंड ऑफ पीपल के लिए बहुत ही नीचे गिर गया था देन कैटेगरी रैंक अराउंड एट थाउजेंड फोर हंड्रेड समथिंग ऐसा क्वेश्चन देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ आई प्रिपेयर फॉर्म सो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत टाइम है तो मैं बहुत ही अच्छा कोर्स ज्वाइन कर लूँ या फिर कोचिंग जा पाऊँ इतना टाइम नहीं था और ना ही तब सिचुएशंस ऐसे थे कि मैं बहुत सीरियस हो सकूँ इस चीज़ के बारे में तो जब सिक्स मंथ्स थे एग्ज़ाम के लिए तब मुझे एक कोर्स मिला फिज़िक्स वाला उनका एक ऐप है मैंने यकीन बेच ज्वाइन किया था एंड इट रियली हेल्प मी ए लॉट इट वॉज एक्चुअली ड्रॉपर्स बेच बट मैंने ट्वेल्थ के साथ ही वो बेच ज्वाइन कर लिया बिकॉज एट डेट टाइम स्कूल्स बंद थे बहुत टाइम था मेरे पास मैंने अपने पेरेंट्स से सलाह लेने के बाद और एफोर्डेबल भी है तो इसीलिए लिए मैंने ज्वाइन जो, कर लिया अक्टूबर 2020 के अराउंड मैंने वो जो, वो बेच मैंने जॉइन कर लिया था फोर सिक्स मंथ वो था अप्रैल तक होना था बट उन्होंने हमारा साथ पूरा एग्ज़ाम्स तक दिया मैंने अपना प्रिपरेशन यकीन बेच से किया था ऑनलाइन वो भी ठीक है इन हाउ मेनी डेज सो जैसे कि मैंने अभी बोला है सिक्स मंथ का ही था वो बेच तो मैंने सिक्स मंथ में ही पूरा ऑलमोस्ट ख़त्म कर ही लिया था और हालांकि बाद में टाइम और भी एक्सटेंडेड हुआ था तो मुझको और ज़्यादा टाइम मिल गया था और तीन महीना मेरे पास एक्स्ट्रा आ गए थे फिर विच अटेम्प्टो Uh, मैंने ट्वेल्थ के साथ ही ये पहला आइटम दिया था और इसी पे मेरे इतने मार्क्स आए देन किसी का कहना है किसी का क्वेश्चन है कि ऑफलाइन या ऑनलाइन तो मेरा आंसर रहेगा कि ऑफलाइन या ऑनलाइन ये मैटर नहीं करता मैटर क्या करता है कि राइट रिसोर्सेस राइट टीचर्स राइट गाइडेंस ये सब ही मैटर करता है एंड योर फुल डेडिकेशन एंड मल्टीपल नंबर ऑफ रिविजन्स ये सारी चीज़ें ही ज़्यादा मैटर करती है देन रेदर देन लुकिंग फॉर ऑनलाइन या ऑफलाइन क्योंकि मैंने ऑफलाइन भी मेरे टीचर्स बहुत ही अच्छे थे ऑनलाइन मैंने पूरा शुरुआत किया था एंड भी मैंने ऑनलाइन में ही किया था लेकिन डाउट सॉल्विंग के लिए मैंने एक ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन किया था लास्ट थ्री मंथस के लिए मैंने क्रेश कोर्स ज्वाइन किया था ट्वेल्थ के बाद जब ट्वेल्थ का बोर्ड्स कैंसिल हो गया था तब मैंने ऑफलाइन इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था जो जिधर मैंने अपना डाउट्स पूरा सॉल्व किया था एंड इट हेल्प मी टू सॉल्व ऑल माय डाउट्स एंड गिव मी द फाइनल बूस्ट टू माय प्रिपरेशन कि देन बहुत लोगों का क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक कहाँ से लाया तो मैंने जहाँ पर कोर्स किया था सिक्स मंथ कोर्स वहाँ पर रोज़ हम लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता था डेली एटलीस्ट फिफ्टी क्वेश्चन सब पूरा मिलाकर कर फिफ्टी क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करना था डेली तो हम लोग वैसे करते थे पूरा फॉलो किया हम लोगों ने जैसा जैसा बताया गया था स्टडी मटेरियल्स मैंने ऐसे ऐसा कोई स्टडी मटेरियल मैंने बाय नहीं किया था फिजिक्स वाला के तरफ से मैंने अप्रैल मंथ को मैंने एक स्टडी मटेरियल ख़रीदा था तीनों सब्जेक्ट्स के लिए वो था क्रैश कोर्स इन फोर्टी फाइव डेज आई नो कि फोर्टी फाइव डेज में कोई भी बुक्स ख़त्म नहीं किया जा सकता बट वो बुक स्पेशली डिज़ाइन किया गया था उस पर डेली स्कीड्यूल डेली प्लानर डेली चैप्टर आज इतना चैप्टर करना है ऐसा ऐसा उधर पर पहले से ही वो प्लानिंग किया गया था कंटेंट बहुत एफोर्डेबल रेंज में मुझे तीनों किताबें मिल जा रही थी तो इसीलिए अप्रैल मंथ में मैंने बाई किया अप्रैल मंथ बहुत लेट हो जाता है फिर भी अप्रैल से जुलाई अगस्त तक मैंने पूरा बुक ख़त्म करके उसको रिवाइज भी कर लिया था मैंने देन उसके अलावा मैंने और भी कोई और कोई स्टडी मटेरियल मैंने परचेस नहीं किया मैंने बस अपना जो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होते हैं उनको ही मैंने बार बार किया उनको ही मैं बार बार रिवाइज करती गई आई वॉज स्टिक टू द एन सी आर टी केमिस्ट्री और बायोलॉजी का एन सी आर टी देन लास्ट के मंथ में मैंने फिज़िक्स का एन सी आर टी भी थोड़ा बहुत पढ़ा था आई स्टिल हैव अ डाउट कि मुझे कौन कौन सा कॉलेज मिलेगा बट दोस्तों का कहना है और टीचर्स का कहना है कि इतने मार्क्स से तुम्हें अपने स्टेट में कॉलेज मिल जाएगा मेरे स्टेट से मतलब है कि वेस्ट बंगाल में और जहाँ पर मैं अभी रह रही हूँ वेस्ट अरुणाचल प्रदेश शायद मुझे अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल में ही कोई भी कॉलेज चूज करना पड़े तो आई विल गो फॉर वेस्ट बंगाल कॉलेज आई डोंट नो किधर मुझे एडमिशन मिलेगा बट आई एल बी शेयरिंग विथ यू ऑल अभी तक का मेरा जो जितना भी मेरे पास क्वेश्चंस आए थे मैंने उन सभी का आंसर दे दिया है अगर आपको कोई भी और कुछ जानना है तो आप कमेंट में बता सकते हो आई विल बी हैप्पी इनफ टू आंसर यू ऑल और आप चाहे तो मुझे इंस्टा पर भी मेरे साथ कनेक्टेड रह सकते हो मैं अपना इंस्टाग्राम का लिंक अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी जा करके मुझे फॉलो भी कर सकते हो एज़ यू विश कोई ज़बरदस्ती नहीं है वैसे भी और और एक क्वेश्चन और है कि वाट हैव आई डिसाइडेड फॉर माई फ्यूचर सो पहले मैंने जब एग्ज़ाम में दे कर के आई ट्वेल्थ सेप्टेम्बर को तब मैं आई वॉज रियली वेरी डिसपॉइंटेड दो तीन दिन तक तो मैं सदमे से बाहर ही नहीं निकल पाई कि ऐसा क्या हो गया कि लाइक like, हाँ एग्ज़ाम तो दे दिया बट फिर भी वो एनर्जी कहाँ गायब हो गई कहाँ मुझे वो कहाँ में कमी रह गई मेरी कि मैं और भी अच्छा स्कोर कर पाती बट कमी कहाँ रह गई बट बार बार अपने आप से ये क्वेश्चन पूछने पर मुझे ये पता चला कि कमी रह गई थी टाइम मैनेजमेंट में जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है शायद टेस्ट देते समय मेरे से ये गलती हो गई थी कि मैंने टाइम का अंदाज़ा मेरे पास नहीं था तो वही मेरे साथ हुआ और टाइम रहते रहते मैंने पूरा कंप्लीट नहीं किया था जिसके कारण मेरे क्वेश्चंस छूट गए और मैं मुझे इतना ही मार्क्स मिला तो व्हाट हैव आई डिसाइडेड तो इसी फीलिंग्स के चलते मैंने ये डिसाइड किया था पहले कि आई विल ड्रॉप आई डोंट थिंक आई वुड हैव ड्रॉप बट अगर मैं कोई एक्स्ट्रा कोर्स ज्वाइन भी कर लूँ तो फिर भी मैं नीट 2022 दूंगी ही मैंने ये सोचा था बट फिर क्या पता सिचुएशंस कैसे हो मैंने सोचा था कुछ वापस मैं कोचिंग ज्वाइन करूंगी फिर से प्रिपरेशन शुरू करूंगी अच्छे लेवल से फिर मैंने सोचा क्या पता कोरोना हो जाए क्या पता नेक्स्ट ईयर भी ऐसा कुछ हो जाए कि आपको वापस घर ही भेज दिया जाए सोचा कि मैं अपने पेरेंट्स से मतलब कि शेयर करूँ बात को तो उन्होंने मुझे ये राय दिया कि तुमको आगे बढ़ जाना चाहिए एम बी बी एस इज़ नॉट द ओनली थिंग जो ख़त्म हो जाएगा जिसको करके फाइव पॉइंट फाइव ईयर्स तक आपको एम बी ही करना पड़ेगा लाइक फोर पॉइंट फाइव ईयर्स तक तो आपको पढ़ाया जाएगा देन इंटर्नशिप ड्यूटी लगेगा आपका वो भी होगा वन ईयर तक फिर से एंट्रेंस लिखना होगा नीट पी जी के लिए तब भी यही सिचुएशंस होंगे मेरे साथ तो बार बार ड्रॉप करना और बार बार पीछे हट हाँ जाना तो इट्स नॉट ए गुड ऑप्शन क्योंकि लगभग अराउंड एट टू नाइन इयर्स लग जाएंगे पूरा कोर्स वोर्स करने में आई डोंट नो इफ आई एम रॉन्ग और राइट फिर भी बहुत साल लगेंगे तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ड्रॉप नहीं करूँगी या फिर मैं आगे बढ़ जाऊँगी इसलिए सब मैंने सोचा क्या पता नेक्स्ट ईयर अगर जब मैं एग्ज़ाम देने जाऊँ तब का सिचुएशन आज से भी वर्स हो तो इसीलिए कोई बात नहीं मेरे पेरेंट्स ने एक्सेप्ट कर लिया है मैंने सब सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लिए हैं कुछ दिनों बाद ही काउंसलिंग शुरू हो जाएगा उसके बाद आई विल लेट यू नो कि मैंने कौन सा कॉलेज जॉइन किया व्हाट आर द प्रोसेस दैट आई एम गोइंग थ्रू एंड सॉरी फॉर द नोइ अराउंड माई हाउस थैंक यू फॉर शोइंग मी सो मच लव थैंक्स टू एवरी वन देयर हु हेल्प मी इन माई जर्नी एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट्स में आई विल हैप्पी इनफ टू आंसर यू ऑल एंड थैंक यू दैट्स इट फॉर टू वीडियो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड ऑल्सो टिल देन टेक केयर बाय बाय सी यू हैव ए गुड डे